सभी को नमस्कार। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट सेकंड में अपन ने जब शुरू किया था इसको तो अपन ने देखा इसमें तीन प्रकार के क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करे गए हैं, वो हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीन क्रियात्मक समूहों में से एल्डिहाइड और कीटोन दो प्रकार के क्रियात्मक समूह अपन पिछले वीडियोज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन इसका तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह शुरू करने जा रहे हैं और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का जो अपना टॉपिक जो अपन शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो से वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है क्रियात्मक समूह, इसको अपन देखिए इस प्रकार से भी लिखते हैं, COOH। इसको अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो देखिए C डबल बॉन्ड O और इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर हैं और इस ऑक्सीजन पर भी दो लोन पेयर हैं। तो ये क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। क्यों कहलाता है देखिएगा, अगर इसको अपन थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखें तो इसमें देखिए एक भाग ये है, ये वाला भाग जिसको मैं अलग से लिखूं, इस तरह का भाग है ये। दूसरा वाला भाग है ये जिसको मैं यूं लिखूं, ये वाला भाग क्या है, कार्बोनिल, और ये वाला भाग क्या है, हाइड्रोक्सिल। तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कार्बोनिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए देखिए इसका नाम क्या पड़ा, कार्बोनिल से तो क्या ले लिया कार्बो और हाइड्रोक्सिल से क्या लिया XYL, तो कार्बोक्सिल इसका नाम हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह अपने इसको बोलने लग गए कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से। लेकिन इस COOH समूह में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह एक साथ सम्मिलित होते हुए दिख रहे हैं, कौन कौन से, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। लेकिन इसमें ना तो कार्बोनिल समूह के गुण पाए जाते हैं और ना ही इसमें हाइड्रोक्सिल समूह के गुण पाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक समूह अपने आप में एक अलग क्रियात्मक समूह है जिसके कुछ अपने आप के अलग विशिष्ट गुण होते हैं। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह के गुण नहीं है इसमें, इसके जो गुण हैं वो अपने आप में अलग हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए कार्बोक्सिल समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से इस तरह से अपन बोलते हैं। अब अगर इसका वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन, तो COOH समूहों की संख्या के आधार पर, समूहों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इत्यादि में वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे अपन देखें मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे अणु जिनमें एक COOH समूह पाया जाता है, एक COOH ग्रुप पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखें जैसे SCOOH, CH3COOH, ये इस तरह के अगर अणु हैं जिनमें सिर्फ एक ही COOH समूह पाया जाता है उनको अपन क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, CH3COOH है, एसिटिक एसिड, और ये है बेंजोइक एसिड, अगर इसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या दो है तो अपन बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये है दो COOH समूह आपस में जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड,
दो CO समूह जुड़े हुए तो ऑक्जेलिक एसिड। यहां पर भी दो COS समूह है CH2 समूह के साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या है मेलोनिक एसिड। तो ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें दो COS समूह है, दो COH ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। अगर तीन COS समूह है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें तीन COH ग्रुप उपस्थित होते हैं, जैसे CH2COOH, CHCOOH, CH2COOH। तो कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अपन इनको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपन ये इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, वर्गीकरण देख सकते हैं। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है नामकरण। नाम कैसे लिखते हैं इन अणुओं का, और नाम में अपन देखिए जितने भी क्रियात्मक समूह अपन ने अब तक पढ़े हैं उनके नामों में अपन ने दो प्रकार की पद्धतियां पढ़ी हैं, सामान्य नाम पद्धति जिसको रूढ़ नाम भी कहते हैं, और दूसरा है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण पद्धति। तो दोनों को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण में सबसे पहला जो पद्धति या सिस्टम लेते हैं वो है कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। सामान्य नाम या रूढ़ नाम भी इसको कहते हैं। सामान्य नाम और रूढ़ नाम में कोई निश्चित नियम शामिल नहीं करे गए हैं। ये जो नाम लिखे जाते हैं ये अणु की संरचना के आधार पर, अणु के स्रोत के आधार पर, जहाँ पे अणु का निर्माण हुआ या आविष्कार हुआ उस जगह के नाम के आधार पर, जिस वैज्ञानिक ने जिस यौगिक को बनाया है उस यौगिक का नाम वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, इस तरह से ये नाम लिखे जाते हैं, कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रतिस्थापियों की संग स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 काम में नहीं लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से काम, ये शब्द ये काम में संकेत काम में लिए जाते हैं। तो सामान्य नाम में देखिए अपन स्रोत के आधार पर, अभी अपन ने बोला स्रोत के आधार पर भी नाम लिखे जाते हैं, तो कुछ अपन उदाहरण लेकर चलते हैं, जैसे HCOOH सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का, तो इसका नाम क्या है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि सबसे पहले जब इसको खोजा गया था तो वो खोजा गया था फॉर्मिका, और फॉर्मिका का मतलब होता है आंट मतलब चींटी। जो लाल रंग की चींटी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखिए लाल रंग की चींटी जब काट लेती है तो एक लाल लाल रंग का चकत्ता बन जाता है कि नहीं स्किन पे, वो चकत्ता इस फॉर्मिक एसिड के कारण ही बनता है। तो इस चींटी के में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, फॉर्मिका में से ए हटा दिया, एक एसिड लगा दिया तो फॉर्मिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों, क्योंकि ये पाया जाता है एसिटम मतलब विनेगर में, और विनेगर क्या होता है सिरका। एसिटम के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा एसिटिक एसिड, CH3COOH, जो विनेगर में पाया जाता है मतलब सिरका। सिरका होता है ना जो भोजन बनाते हैं अपन सब्जी वगैरह में, अचार मुरब्बे में खटाई के लिए सिरका डाला जाता है खट्टापन लाने के लिए, ठीक है। और देखिएगा
CH3, CH2, CH2, COOH, चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। सामान्य नाम क्या है इसका, चार कार्बन वाले का? ब्यूटायरिक एसिड। क्यों पड़ा नाम? क्योंकि ये ब्यूटायरम मतलब बटर, विकृतिकृत बटर, जो सड़ा हुआ या खराब हुआ जो मक्खन है उसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है, तो विकृतिकृत मक्खन में यह है पाया जाता है, विकृतिकृत मक्खन, और मक्खन को बटर कहते हैं और उसमें उसी को ब्यूटायरम कहते हैं, तो ब्यूटायरम के आधार पर इसका नाम पड़ा ब्यूटायरिक एसिड। और देखिए CH3, CH2, 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 COOH, पांच कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसे सामान्य नाम के रूप में कैसे पहचानते हैं? वेलेरिक एसिड। ये वेलेरिक एसिड है। वेलेरिक एसिड क्यों? क्योंकि ये वेलेरियम प्लांट के जड़ों में पाया जाता है। वेलेरियम प्लांट के जड़ों में यह पाया जाता है, इसलिए इसका नाम वेलेरिक एसिड पड़ा। और देखिए चार कार्बन वाला है, COOH, CHOH, CHOH, COOH, क्या नाम है इसका? टार्ट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये टार्ट्रम में पाया जाता है, मतलब इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाने वाला यह अम्ल है, इसलिए इसको टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। और देखें यह है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है, ये दही में पाया जाता है या खट्टे दूध में पाया जाता है। तो दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उसके आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? लैक्टिक एसिड पड़ा है। और देखें ये जो संरचना है ये है आपके सामने मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि ये मैलम में पाया जाता है, और मैलम का मतलब होता है एप्पल, सेब, सेब में पाया जाने वाला यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए, और सेब को क्या कहते हैं? मैलम कहते हैं, तो मैलम में पाया जाता है इसलिए इसको मैलिक एसिड कहते हैं। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिए हैं जिन कार्बोक्सिलिक एसिडों के नाम अपन ने उनके स्रोत के आधार पर लिखे हैं, सोर्स के आधार पर लिखे हैं। तो ये सामान्य नाम पद्धति में सोर्स के आधार पर अपन ऐसे लिखते हैं। साथ ही अगर मान लो कि इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो, तो प्रतिस्थापियों की स्थिति दर्शाने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि को काम में लिया जाता है। तो प्रति स्थापियों की स्थितियों को दर्शाने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि को प्रयुक्त करते हैं। इनको प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर अपन देखें, जैसे देखिएगा CH3, CH और यहाँ Br और ये COOH, इस तरह का कोई अणु दिया हुआ है जिसमें Br है वो प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन किसे बोलेंगे? वह कार्बन जिस पर COOH समूह जुड़ा हो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन से अगला वाला कार्बन बीटा कार्बन, उससे अगला वाला गामा, उससे अगले वाला
डेल्टा इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो बी आर जुड़ा हुआ है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, एल्फा पे जुड़ा हुआ है। तो एल्फा ब्रोमो, ये तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया। फिर मूल अणु का नाम क्या है, तीन कार्बन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और तीन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य नाम क्या है, प्रोपियोनिक एसिड। तो इसका नाम हो गया एल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। तो इस तरह से अपन ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसके सामान्य नाम या रूड नाम लिख सकते हैं। क्लियर है। अब अपन इसकी दूसरी नाम पद्धति को पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और IUPAC जो नामकरण है वो टोटली रूल्स पर डिपेंड है, नियमों पर डिपेंड है। उसके कुछ रूल हैं, उनको फॉलो करते हुए अपन उनका नाम लिखते हैं। तो दूसरा इसका जो नोमेनक्लेचर की पद्धति है वो क्या है, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC पूरा नाम तो आप जानते ही होंगे, बहुत बार अपन ने इसको देखा है, जितनी बार भी अपन ने क्रियात्मक समूह पढ़े हैं उनके IUPAC नामकरण पढ़े हैं, उतनी बार ही अपन ने इसकी फुल फॉर्म भी साथ में देखी है। तो आई मानी इंटरनेशनल, यू मानी यूनियन ऑफ, पी मानी प्योर एंड ए मानी एप्लाइड और सी मानी केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कुछ नियम बनाता है जिसके आधार पर अपने यौगिकों के नाम लिखते हैं। नियम में देखिए मोटा मोटा क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, जो आपको अणु दिया गया है उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे कि उस श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह वाला कार्बन शामिल हो, उस श्रृंखला में कार्बनों की संख्या अधिकतम हो, उस श्रृंखला में कार्बनों पर प्रतिस्थापियों की संख्या या शाखाओं की संख्या अधिक से अधिक हो, तो उस श्रृंखला का अपन चुनाव करेंगे, उदाहरण में अपन समझेंगे अभी। दूसरा काम है अंकन, नंबर डालना। जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसके कार्बनों पर अपने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबर डालते हैं। नंबर इस तरह से डालेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिले, और उसको सबसे कम नंबर देते हुए बाकी श्रृंखला के कार्बनों पर अपन नंबर डालते जाएंगे। और तीसरा है नाम लिखना। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं उनकी स्थिति को दर्शाते हुए, और फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी एक समान है तो उनकी संख्याओं को भी दर्शाया जाता है, जैसे दो प्रतिस्थापी एक जैसे हैं तो उनके नाम से पहले डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, इस तरह से अपन लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक तीन पद हैं IUPAC नाम लिखने के लिए, इन तीनों पदों को आप फॉलो करते हुए आसानी से नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो IUPAC नाम है वो क्या होता है, एल्केनोइक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्केनोइक एसिड का नाम कैसे लिखेंगे कि जो आप मुख्य श्रृंखला देखते हैं उसमें जितने भी कार्बन हैं उन उतने ही कार्बन वाले एल्केन के नाम में से ई हटा देंगे और ओइक अम्ल लगा देंगे। क्या करना है आपको, आपको मुख्य श्रृंखला में कार्बनों की संख्या देखनी है, उस संख्या वाले उतने ही कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखेंगे इस तरह से एल्केन, और उसमें से जो ये ई वाला भाग है माइनस ई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो एल्केनोइक एसिड इसमें बनता है। क्लियर है चीज। देखिए उदाहरण के तौर पे HCOOH कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, एक कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो मीथेन में से ई हटाया और क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड जोड़ दिया।
तो जो फॉर्मिक एसिड है, सामान्य नाम जिसका फॉर्मिक एसिड है, उसका IUPAC नाम क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल हो गया। और देखिए जैसे CH3COOH, कितने कार्बन है इसमें? दो कार्बन है। दो कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम होता है? इथेन होता है। इथेन में से ई हटा दिया और क्या जोड़ दिया? ओइक एसिड अनुलग्न के रूप में अपन लगा देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अनुलग्न क्या है? ओइक एसिड, ओइक अम्ल होता है। ठीक है, तीसरा देखिए CH3CH2COOH, तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। तो प्रोपेन में से क्या करेंगे? ई को हटा देंगे और अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल लगा देंगे। तो ये नाम हो गया इसका प्रोपेनोइक अम्ल। बहुत ही सिंपल है, चार कार्बन वाले को ब्यूटेनोइक एसिड कहेंगे, पांच कार्बन वाले को अपन पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, इस तरह से अपन बोलते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, तो जैसे प्रतिस्थापियों का भी मैं उदाहरण ले लेता हूँ। CH3, ये CH3, CHCl, COOH, इस तरह का अणु अगर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, ये लो अपन ने सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिया, चार कार्बन की श्रृंखला सबसे लंबी है। फिर अंकन करेंगे, नंबर डालेंगे, तो नंबर डालेंगे COOH समूह वाला जो कार्बन है उसको हमेशा एक नंबर देंगे, तो बाकी श्रृंखला के कार्बनों को ऑटोमेटिक दो तीन चार, और लंबी श्रृंखला होगी तो पाँच छः सात, इस तरह से मिलते जाएंगे। अंकन कर दिया, नाम लिखें, नाम पहले लिखेंगे अपन प्रतिस्थापियों के नाम, उनकी स्थितियों को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। तो दो पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तीन पे जुड़ा हुआ है मेथिल, तो नाम पहले किसका आएगा? क्लोरो का आएगा, क्योंकि क्लोरो सी से शुरू होता है। तो नाम हो गया इसका 2-क्लोरो-3-मेथिल। क्लियर है? अब फिर मुख्य जो श्रृंखला है उसका नाम लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला में चार कार्बन है, चार कार्बन वाले को अपन कहेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, COOH की स्थिति को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? COOH हमेशा ही एक नंबर होता है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, तो यह है ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? 2-क्लोरो-3-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए अगर मान लो COOH समूह की संख्या एक से ज्यादा है, तो अपन उसके नाम कैसे लिखेंगे? COOH और ये COOH, सामान्य नाम क्या था इसका? ऑक्सैलिक एसिड। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन है, दो कार्बन वाले का नाम क्या है? इथेन। इथेन में से ई हटाया और ओइक अम्ल लगाएंगे, लेकिन यहां दो COOH समूह है तो डाइओइक एसिड हो जाएगा, तो इथेन डाइओइक एसिड, तो ये ऑक्सैलिक एसिड का नाम हो गया। ये क्या है? सामान्य नाम इसका मेलोनिक एसिड है, लेकिन IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल लेते हैं, यहां थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। CH2COOH, ये सामान्य नाम क्या है इसका? सामान्य नाम है इसका सक्सिनिक एसिड। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम है इसका, चार कार्बन है, तो ब्यूटेन, और उसमें से ई हटाकर डाइओइक एसिड, क्योंकि दो COOH है, तो ये सक्सिनिक एसिड का नाम हो गया। और एग्जांपल देखिए जिसमें दो दो COOH समूह पाए जाते हैं, वो क्या है? क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में, बहुत बार पूछा गया है कि सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सक्सिनिक एसिड है क्या।
ये सक्सेनिक एसिड है और ये उसका आईयूपीएसी नाम हो गया, CH2, CH2, COOH। ये पांच कार्बन वाला ऐसा अम्ल है जिसमें दो COOH समूह पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ग्लूटेरिक एसिड, सामान्य नाम ग्लूटेरिक एसिड, ये सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? पांच कार्बन वाला है तो पेंटेन, और दो इसमें क्रियात्मक समूह है COOH, तो पेंटेन डाइओइक एसिड। तो यह भी पूछा हुआ सवाल है कि ग्लूटेरिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब और एग्जांपल देखिए, CH2, CH2, COOH, CH2, CH2, COOH, छह कार्बन वाला ऐसा अणु जिसमें दो COOH समूह हैं, तो असामान्य नाम है इसका एडिपिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, सक्सेनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखिए, ग्लूटेरिक अम्ल का, हेक्सेन इसमें एडीपी अम्ल का, इस तरह से ये आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। नाम सामान्य नाम दे दिया जाता है, तो आपको इसका सूत्र भी पता होना चाहिए और आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम, नेमिंग नोमेनक्लेचर सिस्टम। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिंथेसिस मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के संश्लेषण की विधियाँ। तो आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।